हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू सेकेंड डे ऑफ आवर ट्रिप। और अभी हम लोग हैं कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी जो एक इंडिया का साउथ का सबसे लोवेस्ट सिटी है, तो आइए नए दिन की नई शुरुआत करते हैं। तो अभी हम लोग आए हुए हैं हमारे होटल के टेरेस पे, थोड़ा सा व्यू एंजॉय करते हैं चलो। और मम्मी पापा के हम लोग फ़ोटो निकाल रहे हैं, मस्त एक वीडियो भी बनाएंगे रील के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर रील्स और फोटोज़ आप देख सकते हो। हमने जो होटल बुक किया है कन्याकुमारी में, होटल सी व्यू, यहाँ पर हमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। अभी हम लोग आए हैं जेट्टी पर, जहाँ से हम लोग फेरी पकड़ के जाएंगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल। यहाँ पर टिकट काउंटर पे बहुत लंबी लाइन होती है, अगर पॉसिबल हो तो मॉर्निंग में जल्दी आकर लाइन लगाइए। हमारे साथ मम्मी पापा है, इसीलिए हमने लिया है एक्सप्रेस एंट्री टिकट, जिसका प्राइस है 300 रुपीज़ पर पर्सन, और नॉर्मल टिकट है 75 रुपीज़ पर पर्सन, जिसके लिए आपको बहुत लंबी लाइन में लगना होता है। मम्मी कोर्ट में बसना ना? अरे यार, मुझे केस आप लोग जब भी यहाँ पर विज़िट करें, अपने साथ स्कार्फ या फिर हैट ज़रूर कैरी करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत धूप होती है और बहुत हवा होती है। तो हम लोग तो बहुत टैन हो गए हैं धूप से, एक दिन में ही टैन हो गए, बस पूछो मत, इतनी धूप है यहाँ पर। यहाँ पर फेरी में बैठने के लिए भी एक लंबी लाइन लगानी होती है, और फिर लाइफ जैकेट पहन के फेरी में बैठना होता है। हमने भी लाइफ जैकेट पहने हुए हैं, और मम्मी ने ये वाव क्या गॉगल पहना हुआ मम्मी। और हम लोग अभी 15 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। आपको अगर यहाँ आना है, 2 दिन भी काफ़ी है कन्याकुमारी घूमने के लिए। कन्याकुमारी में सनसेट और सनराइज़ भी बहुत मस्त दिखता है, और एक रॉक मेमोरियल है, और एक भगवती अम्मन टेम्पल जो हमने कल विज़िट किया था, और त्रिवेणी संगम। तो शॉपिंग भी आप कर सकते हो, शॉपिंग के लिए बहुत मस्त जगह है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं रॉक मेमोरियल के, यहाँ पर जो जेटी है वहाँ पर, तो हमें लाइफ जैकेट इसमें डालना होता है। और सेकेंड जो फेरी यहाँ से निकलती है, तो वो लोग अभी सब लोग भाग रहे हैं फेरी पकड़ने के लिए। और आप देख सकते हो यहाँ पर एक टिकट काउंटर है, जहाँ से हमें टिकट निकालना होता है रॉक मेमोरियल के लिए, जिसका प्राइस होता है 35 रुपीज़ पर पर्सन। तो चलिए फिर टिकट लेके अंदर प्रवेश करते हैं। हम लोग का ये जो ट्रिप है, ये है 2 नाइट 3 डेज़ का ट्रिप, शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिप। हम लोग आए थे त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से, और जाने वाले हैं मदुराई एयरपोर्ट से, क्योंकि हमें रामेश्वरम भी जाना है। तो रामेश्वरम से मदुराई एयरपोर्ट नज़दीक है, और कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट नज़दीक है। तो मेरा पुराना वीडियो भी आप देख सकते हो त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट वाला, उसमें मैंने बताया हुआ है सब कुछ। तो चलिए अभी जाते हैं रॉक मेमोरियल की तरफ। यहाँ से व्यू जो दिख रहा था ना, सुपर व्यू दिख रहा था, मस्त। मम्मी पापा तो खुश हो गए। और यहाँ पर हम लोग आए हैं शू रखने के लिए, यहाँ पर शू रैक होता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो हमने यहाँ पर अपने सबकी चप्पलें और शूज़ रखे थे।
यहाँ पर एक बहुत बड़ा रॉक है जिसके ऊपर ये स्मारक बनाया हुआ है। इसी रॉक पर स्वामी विवेकानंद जी ने 3 दिन तपस्या की थी, तो वहीं पर उनका स्मारक बनाया गया है। यहाँ पर अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। ये है श्रीपद मंडपम मंदिर। यहाँ पर माता पार्वती जी के चरण पादुकाएं रखी गई है, उसके हम लोग अभी दर्शन कर लेते हैं। माता पार्वती ने इसी जगह पर कन्या के रूप में भगवान शिव जी की आराधना की थी कि वो उन्हें पति के रूप में पा सके। यहाँ पर 4 फीट के ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्वामी विवेकानंद जी की बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है, जिसकी ऊंचाई करीब 8 फीट की है। पर समुंदर की लहरों से बचाने के लिए रॉक मेमोरियल की चारों तरफ यह बड़े बड़े पत्थर को रखा जा रहा है क्रेन की सहायता से, आप देख सकते हो। रिटर्न जाने के लिए यहाँ पर फिर से लाइन लगानी होती है फेरी के लिए, और फिर हम लोग गए हमारे होटल, वहाँ से हमने फिर लंच किया और हमें निकलना है रामेश्वरम की तरफ। अभी हम लोग निकले हैं रामेश्वरम जाने के लिए। कन्याकुमारी से रामेश्वरम अराउंड 6 आवर्स की जर्नी है, और बाय रोड ही जा सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि ट्रेन से नहीं जा सकते क्योंकि पाम्बन ब्रिज का काम चालू है। बहुत सुंदर सुंदर व्यूज दिख रहे हैं, और इतने सुंदर व्यूज़ है कि अभी हम लोग यहाँ पर रुकने का सोच रहे हैं, रुककर थोड़े फ़ोटोज़ निकालेंगे। अभी हम लोग है तिरुनेलवेली राधापुरम में। यहाँ पर देखिए पूरा विंड मिल्स दिखाई दे रहे हैं, तो इतना सुंदर नज़ारा हम लोग कैसे मिस कर सकते हैं, तो हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ निकाले। मस्त मस्त नज़ारों का व्यू एंजॉय करते करते हम लोग पहुँच गए हैं तिरुनेलवेली के नंगुनेरेस तालुका के सिटी में, और हमें बहुत भूख लगी है। तो अभी हम लोग उतर चुके हैं एक रेस्टोरेंट के, यहाँ पर लंच करेंगे, फिर से भूख लगी थी।
तो ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर रुके हैं। और चलिए फिर अंदर जाके मस्त मस्त लंच करते हैं। केले के पत्तों पर यहाँ पर हमें खाना परोसा जाएगा। केले के पत्तों पर खाना खाना मतलब एक अलग ही स्वाद होता है खाने में। अभी हम लोग जहाँ पर रुके हैं फ़ोटोज़ लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सुंदर व्यू है। इस प्लेस का नाम मतलब ये जगह है वो है थूथुकुड़ी विलातीकुलम में। यहाँ पर बहुत ही सुंदर स्पॉट मिल गया है तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे और मस्त मस्त फ़ोटोज़ और रील्स बनाएंगे और इंस्टाग्राम के लिए चाहिए ना डालने के लिए, तो इसीलिए हम लोग रुके यहाँ पर। हम लोग जब खुद का कैब बुक करते हैं फुल टूर के लिए तो एक ही फ़ायदा होता है कि हम लोग ऐसे किसी भी स्पॉट पे रुक के वहाँ पर थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है जब हम कोई भी कैब सर्विस बुक करते हैं फुल टूर के लिए। हमने जो कैब सर्विस बुक किया था डायरेक्टली मुंबई से, उनका नंबर मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पर, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बज चुके हैं और हम लोग पहुँचे हैं रामेश्वरम की तरफ जाने वाला जो ब्रिज है पाम्बन ब्रिज, वहाँ पर ये सामने यहाँ पर न्यू ब्रिज का काम चालू है, जो रेलवे का ब्रिज है उसका काम चालू है और ये बाय रोड जाने वाला ब्रिज है। तो बहुत रात हो गई है, अभी हम लोग जाएंगे डिनर करने के लिए। डिनर करने के लिए हम लोग रुके हुए हैं ये रेस्टोरेंट में जो है रामेश्वरम में। हम लोग यहाँ पर डिनर के लिए रुके हुए और रामेश्वरम यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर है। यहाँ पर डिनर करके हम लोग जाएंगे हमारे होटल में चेक इन करने के लिए जो हमने रामेश्वरम में बुक किया है। तो मिलते हम लोग कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।